हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान में खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है या सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। कपास सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरसों की खली में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है। सरसों की खली में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है। तो सरसों की खली में 35 से 40% प्रोटीन पाई जाती है। यूपी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, हरा सोना किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरा सोना किसे कहा जाता है। तो हरा सोना अफीम को कहा जाता है, या अफीम को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अफीम को हरा सोना के नाम से भी
जाना जाता। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी कैट में कई बार पूछा जा चुका है। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारा अनाजों का राजा किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है, अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में गरीबों का संतरा, भारत में गरीबों का संतरा भारत में गरीबों का संतरा व इंग्लैंड में लव ऑफ एप्पल किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में गरीबों का संतरा व इंग्लैंड में लव ऑफ एप्पल किसे कहा जाता है, तो भारत में गरीबों का संतरा टमाटर को कहा जाता है, और इंग्लैंड में लव ऑफ एप्पल संतरे टमाटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है।